Hey guys, welcome back to my channel. Today is our very interesting video because this video is our Indian festival season. So आज का जो मेरा वीडियो है वो तीज स्पेशल वीडियो है. तो तीज में जैसे कि ग्रीन कलर को प्रेफरेंस दिया जाता है, सिर्फ तीज में ही नहीं बल्कि श्रावण भादों के महीने में जितने भी फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर पहनने के लिए कहा जाता है. बहुत ही अच्छा लगता है, सभी लोग प्रेफरेंस करते हैं ग्रीन कलर. सो गाइस, इस ड्यूरेशन में जितने भी तीज त्यौहार पड़ते हैं, आपके जितने भी व्रत उपवास पड़ते हैं, उन सभी में ग्रीन कलर को प्रेफरेंस दिया जाता है. तो इसलिए मैंने ये ग्रीन लुक क्रिएट किया है. आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा. सो गाइस, बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं. पहले आप देखिए कि ये लुक कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है. कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको भी ग्रीन कलर पसंद है. सो गाइस, इस लुक को क्रिएट करने के लिए देखिए मैंने क्या क्या तैयारी की है. सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं. सो अगेन, सबसे पहले मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप. तो यहाँ पे मैं एज अ प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ अपने फेस में पतंजलि का एलोवेरा जेल. तो इसे मैं इस तरीके से अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी. इसके बाद मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ लैक्मी की सीसी क्रीम. तो एज अ फाउंडेशन भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. मैं बहुत ही हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ. तो इसे मैंने पूरे फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके लगा लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरीके से लगा रही हूँ. अब मैं अपने फेस पे हल्का सा ऑलिव का मेकअप जो स्टिक है वो लगा रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ. गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे भी ये जो वीडियो है वो डे फंक्शन के लिए वीडियो है, जो भी आपके तीज त्यौहार है उसके लिए है. तो पूरा दिन आप वैसे ही थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो इतना हैवी मेकअप कोई भी नहीं करना चाहता. तो एकदम हल्का मेकअप आप कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग सकते हैं. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हैवी मेकअप परत लगानी है. हल्का मेकअप में भी आप ब्यूटीफुल लग सकते हैं, बस उसे अच्छी तरीके से लगाने की ज़रूरत होती है. तो जो भी चीज़ आप अपने फेस पर लगाते हैं उसे अपने नेक पर भी ज़रूर लगाएं एंड पूरा एरिया कवर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पर लगा लिया है और पूरी तरीके से अच्छा कवर कर लिया है. अब मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पर लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से. आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पे लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो. इस तरीके से आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप नेक पे ज़रूर लगाएं. अब मैं लगाने जा रही हूँ अपनी आँखों में आई शैडो. तो जब भी आप आँखों का कोई भी मेकअप करते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको करना होता है, नहीं तो आपका जो पूरा मेकअप है वो ख़राब दिखने लगता है. तो नॉर्मली मैं कलर लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं बिल्कुल ही नॉर्मल पीच कलर है. इसको मैं कवर कर रही हूँ अपनी आईज़ के ऊपर. तो ये लगभग कंप्लीट ही है, अच्छा लग रहा है. और अब मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि जो साड़ी है वो भी ग्रीन कलर की है. तो इस तरीके से मैंने इसको अपनी पूरी आईज़ के ऊपर वाले हिस्से पर लगा लिया है. और अब मैं लगाने जा रही हूँ काजल. तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एलकीन का आई ड्रामा काजल. इसके बाद मैं अपनी आँखों पे लाइनर लगाऊंगी. काजल और लाइनर दोनों ही लगाते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक में पूरा जो मेकअप है वो ख़राब हो जाता है. तो जब भी आप लाइनर लगाएं बहुत ही ध्यान से लगाएं. तो यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है.
आईब्रोज में मैं हल्का सा आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड मैं अब लिपस्टिक नहीं लगाने वाली हूँ। लिपस्टिक मैं लास्ट में लगाऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं करने वाली हूँ हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैं पफ बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से अपने बालों को ले लिया है। सामने से बालों को अच्छी तरीके से एक बार सेट कर लेते तो जो आपकी पफ वाली हेयर स्टाइल होती है ना, उसमें आपका पफ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता और थोड़ा सा अच्छा बनता है। तो चाहे तो आप कोई भी हेयर स्टाइल करें, लेकिन जब आप पफ करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि आगे के जो आपके बाल हैं ना, एक अच्छी सीरीज़ में निकलने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने बालों को निकालिए और इसके बाद आप पफ बनाइए। बालों को आगे करने के बाद आप अपनी बीच से मांग निकाल लीजिए, और जब भी आपको मांग टीका लगाना हो तो बीच से मांग निकल कर मांग टीका को लगा लीजिए। उसके बाद पूरे बालों को पीछे करके पफ बना लीजिए। इससे बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। आपका जो मांग टीका है वो अंदर से लगता है, जो सेट रहता है। तो ये जो मांग टीका है मेरा सेट हो चुका है। और आप चाहें तो इस तरीके से खुले हेयर स्टाइल भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि तीज त्यौहार में पूरा दिन हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं जुगा बनाने वाली हूँ। तो मैं पूरे बालों को पीछे करके जुगा बना लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके की खुली हेयर स्टाइल भी रख सकते हैं आप किसी और फंक्शन के लिए, अगर ये वाला हेयर स्टाइल करते हैं तो। इस तरीके से मैंने थोड़े से बाल आगे निकाल लिए हैं और बाकी वालों को मैं पीछे करके उससे जुगा बना लूँगी। तो जुगा मैंने बना लिया है, और ये जुगा डेकोरेशन की एसेसरीज़ हैं जिससे मैं थोड़ा सा जुगे को डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ा सा तो आपको करना ही चाहिए, इससे आपका जो जुगा है बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। तो ये जो मेरी साड़ी है काफ़ी ज़्यादा हैवी साड़ी है, और बिल्कुल भी मैं प्रेफरेंस नहीं करती हूँ इस तरीके की हैवी साड़ी, और बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस तरीके की हैवी साड़ी पहने। हल्की साड़ी पहनिए जिसमें वज़न थोड़ा कम हो, भारी साड़ियाँ एकदम थका देती हैं हमें। तो अब मैं साड़ी को पहन रही हूँ। इस तरीके से सेट करते हुए हमें सामने से प्लेट बनानी है। तो सामने की प्लेट मैंने बना ली है, उसे सेट कर लिया है, और अब मैं पल्लू के लिए प्लेट बना रही हूँ। इस तरीके से मेरा जो पल्लू है वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, इससे भी संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसे संभालने के लिए भी मैं बताऊँगी आपको कि आप किस जगह पर पिन लगाएं ताकि आपका जो साड़ी है वो पूरे टाइम संभली रहे आपसे। अगेन प्लेट्स बनाने के बाद हमें ये देखना है कि हमें कितना बड़ा पल्लू लेना हो, और इसे इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ लाना है, और फिर इसे आपको कंधे पर रख लेना है, और फिर आपको देखना है कि आपको कितना लंबा पल्लू रखना है, आप कितना लंबा लेना चाहती हैं। और ये आपकी जो साड़ी है लगभग सेट है, बस आपको पिन लगाने की ज़रूरत है। तो एक हम ऊपर यहाँ पर पिन लगाते हैं। अगेन आपका जो अगर साड़ी भारी है तो आप दो तीन पिन लगा लीजिए, पीछे भी एक दो पिन लगा लीजिए, ताकि आपका जो पल्लू है पूरा तरीके से बना रहे और उसका बिल्कुल भी ना बिगड़े डिज़ाइन। नीचे की प्लेट्स को सेट रखने के लिए मैं यहाँ पे साड़ी पिन लगा रही हूँ। थोड़ा सी डेकोरेटेड साड़ी पिन है तो अच्छा भी लगता है, और आपका जो साड़ी की प्लेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बनी रहती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इसे मैंने लगा लिया है। सो अगेन मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी उस टाइम पे, तो अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद उसे मैं ब्रश से थोड़ा सा और अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि वो अच्छे से लग जाए। और लिपस्टिक भी आपको काफ़ी संभाल के लगानी होती है, क्योंकि थोड़ी भी इधर उधर अगर हो जाती है तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ख़राब दिखने लगता है। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी ज्वेलरी में। तो अब मैं पहनने जा रही हूँ ज्वेलरी। मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं। अगेन मैं पहनने जा रही हूँ अपना नेकलेस। एंड मेरे बैंगल्स जिसे मैंने सेट किया था। आपको मेरे बैंगल्स का सेट कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
मुझे तो ये वाला बैंगल सेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सो फिंगर रिंग मैंने पहन ली है सेम कलर की, और अब मैं लगा रही हूँ बिंदी, क्योंकि ये पूरा लुक बिल्कुल अधूरा है बिंदी के बिना, तो ये वाली बिंदी मैं लगा रही हूँ। इस अगेन अब मैं पहन रही हूँ करधन, तो इस तरीके से आप चाहें तो आपके पल्लू को दबाकर भी आप इसको पहन सकते हैं, और आप चाहें तो ओपन करके भी पहन सकते हैं। अगर आपको सिर पे पल्लू लेना है तो आप इसे ओपन करके पहनिए, और अगर आपको सिर पे पल्लू नहीं लेना है तो आप करधन में अपने पीछे का जो हिस्सा है पल्लू का वो दबा भी सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो तीज त्यौहार में मंगलसूत्र पहनना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं पहन रही हूँ मंगलसूत्र। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और नीचे लिए बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ।